हेलो फ्रेंड्स, फूलों के आकर्षण से भला कौन बच सकता है। अगर फूल अगर चटकदार हो और लगभग पूरा साल खिलने वाले फूल हो और एक बार फूल खिलने के बाद वो फूल कम से कम 1 से 1.5 महीना तक प्लांट पे बना रहता हो तो फिर बात ही क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक प्लांट होते हैं, वो होते हैं एक्जोरा फ्लावर प्लांट। बंगाली में इसको रंगून बोलते हैं। और फ्रेंड्स, हरे भरे पत्तों के बीच से चटकदार फूल जो है निकल के आते हैं और करीब 40-50 छोटे छोटे फूल जो है एक गुच्छे में जो है एक साथ खिले रहते हैं और देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे कि आग का गोला हो। और फ्रेंड्स, ये फूल जो होते हैं ना, इसका फूल का जो है कलर वैरायटी काफ़ी सारा कलर वैरायटी में ही आ जाते हैं। जैसे रेड होते हैं, येलो होते हैं, पिंक होते हैं, क्रीम कलर का होते हैं, ऐसे कई सारा कलरों में ये प्लांट फूल जो है आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस फ्लावर प्लांट पे और एक ख़ास बात ये होती है कि ये प्लांट पे जब फ्लावर जब बनते हैं उसके बाद आप जब इससे जो फ्लावर जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जो है आप जब जिस जगह से जो है तोड़ते हैं जिस ब्रांचेस से उस ब्रांचेस से जो है एक जो है पदार्थ निकालते हैं वो बहुत ही जो है हानि जैसा पदार्थ होते हैं, मधु जैसे पदार्थ होते हैं जो है खाने में मीठे लगते हैं, जिसके लिए जो है ये फूलों पे जो है मधुमक्खियों और वौड़े का आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि एक्जोरा प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग के लिए कैसे देखभाल करना होता है, एक्जोरा प्लांट को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सब बातें मैं आज इस वीडियो पे करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहे, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एक्जोरा प्लांट के लिए जो पहले तो मैं बताऊँगी, जो सॉइल मिक्सर जो चाहिए होते हैं वो सॉइल मिक्सर बिल्कुल जो एसिटिक सॉइल मिक्सर पसंद होते हैं एक्जोरा प्लांट को। आप जब भी एक्जोरा प्लांट को रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग के टाइम जो है पॉटिंग सॉइल मिक्स कुछ ऐसे बनाएं, 60% कार्डन कंपोस्ट, 30% गार्डन सॉइल और 10% सैंड, इस तरह का पॉटिंग सॉइल मिक्स बना के आप जो है एक्जोरा प्लांट को रिपोर्टिंग करें। और रिपोर्टिंग का जो है टाइम बेस्ट होते हैं वो होते हैं जो है रेनी सीजन, बरसात के सीजन में आप अगर कोई भी प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं तो वो जो है बहुत अच्छे से लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होने के साथ साथ ये जो है अपना जो है पॉटिंग सॉइल के जो है मिट्टी जो होते हैं उसमें जो है नमीपन बने रहे ऐसा जो है इसको मिट्टी पसंद होते हैं, इसीलिए जो है अगर वाटरिंग आप जब भी करेंगे तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल जो है भीगे भीगे मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जब बस मिट्टी पर जो है नमी बने रहे इतना ही जो है काफ़ी होंगे इस प्लांट को अच्छे फ्लावरिंग के लिए। और फिर अभी आ जाती हूँ इस प्लांट को क्या नहीं पसंद है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इसके लिए मैं सबसे पहले मैं फर्टिलाइजर का ही बात करूँगी। एक्जोरा प्लांट को जो है आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर से आप बचा करके ही रखिए, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ आप इस प्लांट पर बिल्कुल भी ना करें, इसको जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं और इससे जो है आप इस प्लांट को बचा के ही रखें। तो क्योंकि ये जो प्लांट जो होते हैं ना, इसका ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे इसका ग्रोथ जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसका जो है ग्रोथ चालू हो जाते हैं, फ्लावरिंग पे आ जाते हैं, तो इसके बाद जो है इसका जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, जैसे ही जो है डॉर्मेंसी पीरियड से जैसे ही जो है निकल के आते हैं ये प्लांट, वैसे तो ये प्लांट जो विंटर्स में जो है डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, इसके बाद जैसे ही ये प्लांट जो है डॉर्मेंसी पीरियड से निकलने का जो है काम शुरू होते हैं तो आप देखेंगे इसमें जो छोटे छोटे जो है नए नए पत्ते निकल के आते हैं, तभी इस प्लांट पे आप जो है बहुत अच्छे से गुड़ाई कर लें। और गुड़ाई करने के बाद इसमें जो है आप दे दें जो है काउडंग कंपोस्ट, कुछ हद तक जो है आप यूज़ करें। अगर आपका पॉट अगर बड़ा हो तो आप जो है करीब जो है 500 ग्राम जैसा जो है कार्डन कंपोस्ट लेंगे, अगर आपका पॉट छोटा हो तो थोड़ा बहुत कम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका पॉट को जो है देख करके आप जो है इसमें कार्डन कंपोस्ट यूज़ करेंगे, और कार्डन कंपोस्ट यूज़ करने के पहले आप जो है पॉट की मिट्टी को बहुत अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, और गुड़ाई करने के बाद आप इस पर कार्डन कंपोस्ट को
जो है चारों तरफ दे के उसके बाद बहुत अच्छे से जो फिर से मिला देंगे। अगर काउडंग कंपोस्ट आपके पास ना हो तो इसके बदले में आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, पत्तियों वाला खाद भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट होते हैं काउडंग कंपोस्ट, इसलिए कि ये प्लांट को जो है ना एसिडिक सॉइल पसंद होते हैं। तो प्लांट को जितने भी जो कुछ जो चाहिए होते हैं पौष्टिक तत्व, वो सभी जो है ये काउडंग कंपोस्ट से इस प्लांट को मिल जाते हैं, इसलिए बेस्ट जो होते हैं वो होते हैं ये काउडंग कंपोस्ट। तो आप कोशिश करें काउडंग कंपोस्ट ही यूज़ करने के लिए। तो पॉट के चारों तरफ जो है ये काउडंग कंपोस्ट देने के बाद इसको जो बहुत अच्छा से फिर से जो है मिला देना होता है। अब चारों तरफ दे देंगे और दे दिए हैं मैंने, और चारों तरफ देने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिला के और बहुत अच्छे से आप वाटरिंग कर देंगे। इसके बाद जो है अब जब भी वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी को बिल्कुल चेक करके आप वाटरिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैं आपको पहले बताई हूँ कि ये प्लांट जो है ठंडे के सीजन में, विंटर के सीजन में डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं, तभी इसको जो बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन तभी आप जो है क्या करेंगे, विंटर के सीजन में इसको जो है जहाँ सनलाइट लगता हो ऐसा जगह पे आप इसको शिफ्ट करके रखेंगे, तभी तो फूल तो नहीं देंगे, कम से कम आपका प्लांट जो है बचा हुआ रहेगा। और अगर प्लांट बचा हुआ रहेगा तो आप अगला समर में और रेनी सीजन में ये जो आपको अच्छा से आपका गार्डन में फूल दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलिएगा।